और अब बात उन बच्चों की जिन्हें देश का भविष्य कहा जाता है। अगर बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी तो देश का भविष्य अच्छा होगा, लेकिन देश चलाने वाले नेताओं को इस बात की फिक्र कहां? हम ये क्यों कह रहे हैं, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको। इन दो तस्वीरों को देखना और इनके बारे में जानना इसीलिए जरूरी है क्योंकि इन दिनों देश के कई राजनीतिक दल अपने अपने शिक्षा मॉडल बेचने में लगे हैं। लेकिन सरकारी स्कूलों की सच्चाई बताती ये तस्वीर उन सरकारों पर सवाल खड़ा करती है जो शिक्षा व्यवस्था सुधारने के दावे करते हैं। इसमें एक तस्वीर बिहार की है और दूसरी मध्य प्रदेश की। तो पहले बात बिहार की राजधानी पटना की। ये पटना से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर का एक प्राथमिक विद्यालय है। इस स्कूल की हालत ऐसी है कि ये समझना मुश्किल है कि स्कूल में नाले का पानी आ गया है या फिर पूरा स्कूल ही नाले में बना है। स्कूल की इस हालत का असर यहाँ पढ़ने वाले बच्चों पर पड़ रहा है। चूँकि स्कूल में पढ़ाई नामुमकिन है, इसीलिए इन बच्चों को पास के एक समुदाय भवन के कॉरिडोर में पढ़ाया जा रहा है। देखिए इस छोटे से बरामदे में एक साथ कितने बच्चों को ठूस दिया गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि ये स्थिति सिर्फ अभी की नहीं है। स्थानीय लोगों के मुताबिक बहुत सालों से ये स्कूल इसी तरह चल रहा है। यह विद्यालय लगभग 15 वर्षों से बिल्कुल जलमग्न हो जाता है। वर्षा काल में पहला से लेकर पांचवा तक जो विद्यालय मात्र एक बरामदे में आप देख सकते हैं कि पूरा जो है प्राथमिक विद्यालय सिमटा हुआ है 10x10 का बरामदे में। अब इस स्कूल को देखिए, इसकी इमारत इतनी जर्जर हो चुकी है कि इसके अंदर बैठकर पढ़ना जान को खतरे में डालने से कम नहीं। मुरैना के तेहरा गांव का ये प्राथमिक विद्यालय 1998 में बना था, पर उसके बाद से कभी इसकी मरम्मत नहीं हुई। इसीलिए यहां के टीचर बच्चों को पास के ही खुले मैदान में एक पेड़ के नीचे पढ़ाने के लिए मजबूर है। यहां का जो स्कूल का बिल्डिंग है ना, वो बिल्कुल जर्जर टूटा हुआ पड़ा हुआ है। ना यहाँ लाइट की व्यवस्था, ना पानी की व्यवस्था। हम बच्चों को नीम के नीचे अपने बैठ के पढ़ा रहे हैं। वहाँ डेली कीड़े मकोड़े निकलते हैं, इसलिए हम यहाँ पढ़ा रहे हैं। मुरैना के स्कूल की इमारत का एक हिस्सा गिरने से कुछ समय पहले एक बच्चे की मौत भी हो चुकी है, लेकिन प्रशासन ने उसके बाद भी कुछ नहीं किया। एबीपी न्यूज ने जब जिले के शिक्षा अधिकारी से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस बारे में कुछ पता ही नहीं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP News, आपको रखे आगे।